हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो पर्टिकुलर पार्ट होगा डायस्टीरियोमर्स। ओके, ये जो पार्ट है कल हमने देखा था इनेंशियोमर, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डायस्टीरियोमर। शायद ये जो चौक है ये दिखाई नहीं देता आपको, एक क्लियर दिखाई देता है, इनेंशियोमर्स, ठीक है। ये हमने कल देखा था, आज हम देखने वाले हैं डायस्टीरियोमर। ओके, तो स्टीरियो आइसोमर मतलब क्या था हमारा, हमने जब कल देखा था तो इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और डायस्टीरियोमर क्या होता है, तो फिर इसके अपोजिट, यहां पे मिरर इमेज ही नहीं होता, नॉन मिरर इमेजेस। ओके, डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन मिरर इमेज। ओके, नॉन मिरर इमेज। अब मिरर इमेज ही अगर नहीं रहेगी तो उसको हम कहेंगे डायस्टीरियोमर। तो अब यहां पर हमने क्या क्या देखा था, यहां पर हमने देखा था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में और इसका था ये ऑप्टिकल रोटेशन, अलग अलग देते हैं, यहाँ पे भी ऑप्टिकल रोटेशन अलग मिलेगा, ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट, यहाँ पर भी ये सेम मिलेगा। तो डायस्टीरियोमर मतलब होता क्या है कि वो मिरर इमेज ही नहीं होता है, वहाँ पे मिरर इमेज आपको मिलेगी नहीं। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया हुआ है वही हम डिस्कस करेंगे। तो आपके बुक में कुछ इस टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है, COOH OH OH H OH COOH। अब ये है, ओके, ये एक है। तो इसका अगर हमने मिरर इमेज ली, इसकी अगर मिरर इमेज अगर मैंने ली इसकी, तो कैसे निकलेगी वो, फिर ये OH है तो ये यहाँ पर आएगा, इसको अगर मिरर में देखेंगे तो ये OH है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये COOH है, ये COOH है, यहाँ पर है H और यहाँ पर है H। तो ये मिरर इमेज हो गई, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों, इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख देता हूँ, ये है इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। ओके, ये क्या होंगे एक दूसरे के, इनेंशियोमर। पर मैंने अगर यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया, जैसे कि ये, अब यहाँ पर मैंने लिया OH, ठीक है, यहां पर लिया H, यहां पर लिया OH, यहां पर लिया OH और यहां पर लिया H, और यहां पे रखा COOH और यहां पर रखा COOH। अब ये और ये मिरर इमेज है क्या, ये और ये मिरर इमेज रहेगी क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर है H, तो यहाँ पर H है क्या, नहीं, यहाँ पर है H तो यहाँ पर H है, पर यहाँ पर OH आ गया है, इसका मतलब ये और ये मिरर इमेज नहीं है। तो कंपाउंड वन, ये वन बोलेंगे, ये टू बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे हम थ्री, ठीक है, ये वन टू और थ्री। अब वन एंड टू आर इनेंशियोमर, बट वन एंड फोर आर डायस्टीरियोमर। मतलब ये मिरर इमेज अगर तुमको नहीं मिलेगी
तो वो क्या रहेंगे तुम्हारे डायस्टीरियोमर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है डायस्टीरियोमर के, डायस्टीरियो आइसोमर्स आर आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर। तो इसका अगर एग्जांपल देखने के लिए हम देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल निकल सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके आपके बुक में। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है वो तो हम अभी देखेंगे, उसके बाद में और एक दो देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम दोनों के डिफरेंस पिकआउट करेंगे कि इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी देखो ये तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, यहाँ पर है COOH, ठीक है, और COOH, ठीक है। अब ये होगा तुम्हारा कंपाउंड वन, यहाँ पर और एक कंपाउंड लिख लेता हूँ मैं OH, H, COOH, ठीक है, OH और H, COOH, ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड टू। यहाँ पर और एक कंपाउंड ले लेता हूँ और यहाँ पर और एक कंपाउंड ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर लूँगा मैं H, OH, OH, H, यहाँ पर लूँगा मैं OH, OH, H, H, COOH, यहाँ पर भी COOH, 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 ये आपका कंपाउंड नंबर थ्री और ये आपका कंपाउंड नंबर फोर। अब ये चार कंपाउंड है आपके पास में, इसमें आपको मिरर इमेज बतानी है कि अगर कोई मिरर इमेज होगा तो वो कौन सा होगा और अगर कोई नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, कौन इनेंशियोमर है और कौन डायस्टीरियोमर है। ठीक है, आप सबको ये दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखेंगे, अब इसके बीच में अगर मैं प्लेन डालता हूँ, मिरर ये डाल दिया मैंने, अब देखो यहाँ पर क्या है OH, ये मिरर अगर यहाँ पे रखा तो यहाँ पे भी OH दिखेगा, ये अगर आईने में देखा इसको तो ये सेम ऐसा का ऐसा दिखेगा, यहाँ पे OH जाएगा तो वो पहले आ जाएगा, यहाँ पर H है तो वो यहाँ पर आएगा, ये H यहाँ पर जाएगा, ये OH यहाँ पर जाएगा। तो मतलब ये दोनों अगर मैंने इसको ऐसे उठाया यहाँ से निकाल दिया, इसको मैंने ऐसे निकाल लिया यहाँ से, ऐसे पकड़ के इसको निकाल लिया और इसको इसके ऊपर अगर फिट कर दिया तो ये OH जो है इधर की साइड में जाएगा और ये H इधर की साइड में जाएगा जहाँ पे OH है। तो ये क्या हो गई तुम्हारी नॉन सुपर इम्पोजिबल, ऐसे रखते नहीं आ रहा है वो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ रखते नहीं आएगी उसको हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो ये कैसी मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है उसको हम क्या कहते हैं इनेंशियोमर। तो ये कंपाउंड वन एंड टू ये क्या हो गए फिर तुम्हारे वन एंड टू ये क्या हो गए तुम्हारे इनेंशियोमर। ध्यान में आ रहा है आपके ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे इनेंशियोमर। अब कंपाउंड टू एंड थ्री देखेंगे इसमें क्या रिलेशनशिप आता है। तो अगर मैं यहां पे से मिरर डाल देता हूं तो ये मिरर इमेज है क्या COOH, COOH है, H, H है, ठीक है, OH यहां पर आया OH और यहां पे आया H, इसका मतलब ये मिरर इमेज है क्या, नहीं, ये मिरर इमेज है क्या, नहीं। तो अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे फिर, अगर नॉन
नॉन मिरर इमेजेस आर नथिंग बट डायस्टीरियोमर। तो ये एक, ये कंपाउंड मतलब स्ट्रक्चर नंबर दो और स्ट्रक्चर नंबर तीन के बीच में कौन सा रिलेशन है फिर? ये दोनों हो गए तुम्हारे डायस्टीरियोमर। तो स्ट्रक्चर टू एंड थ्री आर डायस्टीरियोमर। ओके, अब कंपाउंड थ्री एंड फोर चेक करेंगे। अब कंपाउंड थ्री एंड फोर में अगर मैं यहां पर डाल लेता हूं मिरर, ठीक है, यहां पर अगर मैं मिरर डाल लेता हूं तो देखते हैं ये आता है क्या। तो मैंने ऐसे इधर यहां पे मिरर पुट कर दिया, तो यहां पे COH, यहां पे COH, यहां पे OH, यहां पर भी क्या आ रहा है फिर तुम्हारा OH, यहां पर क्या है OH, यहां पर भी क्या है OH, नीचे क्या है COH, नीचे COH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यानी ये दोनों मिरर इमेजेस है। इसको अगर मैंने यहां से उठाया और इसके ऊपर रख दिया तो ये OH जो है इस साइड में जाएगा, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के ऊपर बैठेगा नहीं। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर थ्री एंड स्ट्रक्चर फोर ये क्या हो गए फिर तुम्हारे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या हो गए फिर वो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर थ्री एंड स्ट्रक्चर फोर ये क्या हो गए तुम्हारे? इनेंशियोमर। आया ध्यान में? ये स्ट्रक्चर थ्री एंड फोर क्या हो गए? इनेंशियोमर। तो स्ट्रक्चर वन एंड टू ये हो गए इनेंशियोमर, स्ट्रक्चर थ्री एंड फोर ये भी हो गए इनेंशियोमर, पर स्ट्रक्चर टू एंड थ्री ये दो नंबर का और तीन नंबर का ये मिरर इमेज ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया फिर तुम्हारे? डायस्टीरियोमर। और उसके बाद में वन एंड थ्री हो गया। अब टू एंड फोर देखेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें क्या रिलेशनशिप है। तो यहां पर है H, वहां पर भी H, यहां पर है OH और यहां पर है H। तो इसका मतलब इसको अगर मैंने उठाया और वहां पर रखा तो ये मिरर इमेज ही नहीं है। नॉन सुपर इम्पोजिबल का तो छोड़ दो, वो दूर की बात है। यहाँ पे मिरर इमेज दिख रहा है क्या? ये एच आना चाहिए था, ये यहाँ पे वो जाना चाहिए था, मतलब ये ऐसा कंपाउंड आना चाहिए था कुछ तो भी, ठीक है, तब जाके वो मिरर इमेज होता था। तो इसका मतलब क्या? स्ट्रक्चर टू एंड फोर ये भी क्या हो गए तुम्हारे? डायस्टीरियोमर। स्ट्रक्चर टू एंड फोर ये भी क्या हो गए तुम्हारे? डायस्टीरियोमर। तो अब इतने मतलब ये एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनेंशियोमर कौन सा होता है और डायस्टीरियोमर कौन सा होता है। तो इनेंशियोमर मतलब क्या होता है? द आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अगर वो एक दूसरे के ऊपर रखते नहीं आता है, अगर एक दूसरे के ऊपर रखते नहीं आता है तो उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। और अगर वो मिरर इमेज ही नहीं है तो उसको कहते हैं डायस्टीरियोमर। अब सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा ऐसे मैं सोचता हूं। तो सुपर इम्पोजिबल मतलब क्या? अगर हमने कोई चेयर ले ली, ठीक है, अगर हमने कोई चेयर ले ली और उसके ऊपर चेयर अगर मैंने रख दी तो वो कैसा हो जाएगा फिर? सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? सुपर इम्पोजिबल। एक मिनट में आपको ये करके ही दिखाता हूं। अब देखो ये क्या है हमारा? ये स्टूल है, ठीक है, ये क्या है हमारा? ये एक स्टूल है। ओके, अगर इसके ऊपर मैं स्टूल रख दूंगा, जैसे कि अब मैंने इसको अगर किसी स्टूल के ऊपर में रख दिया, ये ऐसे बैठ गया इसके ऊपर में, ठीक है, तो अब जब ये बैठा तो ये यहां पे देखो ये कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर के ऊपर बराबर ये कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर के ऊपर बराबर ये कॉर्नर आ गया, उसके बाद में ये कॉर्नर के ऊपर बराबर ये कॉर्नर आ गया, और इसके बाद में ये कॉर्नर के ऊपर भी बराबर एक कॉर्नर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर ठीक से बैठ जाता है। अगर ऐसा बैठ जाए तुम्हारा कंपाउंड, इसके जैसा अगर बैठ जाता है तुम्हारा कंपाउंड, तो उसको कहते हैं सुपर इम्पोजेबल। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो आपको सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल में फर्क समझ में आ ही गया होगा। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस अगर आपको मिलेंगी तो वो क्या रहेगी फिर तुम्हारी? उसको कहते हैं हम इनेंशियोमर्स।
अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब ये हाथ है और ये हाथ के ऊपर में अगर ये हाथ रखता हूँ तो ये अंगूठा बाहर चला जाता है और ये अंगूठा इधर की ओर चला जाता है, तो ये दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, और अगर वही ये अंगूठा और ये अंगूठा जैसे कि यहाँ पर ऐसे बैठ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिबल। तो अगर किसी चीज के ऊपर में कोई चीज बैठ जाती है तो वो सुपर इम्पोजिबल होती है। तो वो सुपर इम्पोजिबल अगर होगी तो वो इनेंशियोमर नहीं होगा, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल अगर होगा तो उसको हम कहेंगे इनेंशियोमर। ये हो गया पहला। अब डायस्टीरियोमर मतलब क्या है कि वहां पर मिरर इमेज रिलेशनशिप ही नहीं होगा, जैसे कि अब यहाँ पर दिख रहा है हमको मिरर इमेज रिलेशनशिप ही नहीं होगा, तो अगर नॉन मिरर इमेजेस अगर होगी तो उसको हम कहेंगे डायस्टीरियोमर, और वी कैन से द आइसोमर विच आर अदर देन दैट ऑफ इनेंशियोमर आर नथिंग बट डायस्टीरियोमर। तो अब ये एग्जाम्पल तो अपना हो ही गया, यहाँ पे वन एंड टू ये जो थे ये क्या थे हमारे मिरर इमेजेस थे, कैसे थे नॉन सुपर इम्पोजिबल थे, इसलिए ये वन एंड टू क्या हो गए तो फिर हमारे इनेंशियोमर। अब टू एंड थ्री में अगर रिलेशन लगाएंगे तो ये मिरर इमेजेस दिखते हैं क्या, यहाँ से अगर मिरर पास कर दिया तो ये मिरर इमेज दिखते ही नहीं, यहाँ पे एच है एच है ओ एच है एच है, इसका मतलब ये मिरर इमेजेस नहीं है, तो इसका मतलब टू एंड थ्री क्या हो गए फिर तुम्हारे डायस्टीरियोमर। उसके बाद में थ्री एंड फोर में अगर रिलेशन देखने की कोशिश की तो यहाँ पर है ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, मतलब ये मिरर इमेजेस है, और कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, इसका मतलब ये क्या हो गया फिर तुम्हारे इनेंशियोमर। अब स्ट्रक्चर नंबर थ्री एंड वन में रिलेशन अगर लगाएंगे तो ये भी कैसे नॉन नॉट मिरर इमेजेस, अगर मिरर इमेजेस नहीं है तो वो क्या हो गए फिर तुम्हारे डायस्टीरियोमर, और स्ट्रक्चर टू एंड फोर भी क्या हो गए तुम्हारे डायस्टीरियोमर, क्योंकि वो भी क्या है मिरर इमेज नहीं है, तो मिरर इमेज ना होना मतलब डायस्टीरियोमर। ठीक है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई कौन से इनेंशियोमर होगे और कौन से डायस्टीरियोमर होगे, और यही आपको बताना होता है। तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल हम लगे तो देख लेंगे कि इसमें रिलेशनशिप क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने अगर कोई एक ले लिया, यहाँ पर ले लिया ओ एच, यहाँ पर ले लिया एच, यहाँ पर ले लिया सी एच थ्री, यहाँ पर ले लिया एच, यहाँ पर ले लिया एच, यहाँ पर ले लिया सी एच ओ। अब इसके बीच में और इसके बीच में आपको स्ट्रक्चर बताना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी लेंगे ओ एच, यहाँ पर लेंगे एच, यहाँ पर लेंगे एच, और यहाँ पर लेंगे एच, और यहाँ पर लेंगे सी ओ ओ एच, और यहाँ पर लेंगे सी एच थ्री। अब हमको बताना है कि ये स्टीरियो आइसोमर है कि मतलब इसमें रिलेशनशिप कौन सा है, अभी इनेंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर है, ये अगर देखना है तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिखता है तुमको ओ एच, यहाँ पर क्या है ओ एच, यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर क्या है एच, तो ये इतना तो मिरर इमेज होगा, यहाँ पर क्या है सी एच थ्री, यहाँ पर भी क्या है सी एच थ्री, इस साइड में है एच, तो ये मिरर में अगर देखेंगे हम ऐसे तो यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर भी एच है, वहाँ पर भी एच है, पर अब अगर ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने कौन सा ग्रुप रखा है सी एच ओ, और यहाँ पर क्या लिखा है एसिड सी ओ ओ एच, इसका मतलब ये क्या हो गए तुम्हारे मिरर इमेजेस नहीं हो सकते, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, स्ट्रक्चर थ्री, स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दैट इज वाई दीज आर डायस्टीरियोमर। समझ में आया आपको, स्ट्रक्चर वन एंड टू इसमें अगर रिलेशनशिप बतानी होगी तो ये कौन से हो गए फिर डायस्टीरियोमर, तो डायस्टीरियोमर आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, द आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर, और डायस्टीरियोमर और इनेंशियोमर में अगर डिफरेंस आया तो आपको वो पिकआउट करते आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट होती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट होगा डायस्टीरियोमर। तो अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस अगर पूछा जाए इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में तो आपको लिखते आना आएगा, यहाँ पर रहेगा इनेंशियोमर, यहाँ पर क्या रहेगा डायस्टीरियोमर। ठीक है, अगर यहाँ पे इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में डिफरेंस हमको पिकआउट करना है तो हम कैसे पिकआउट करेंगे फिर इसको,
कुछ इस टाइप में। इसमें पहला पॉइंट का क्या आएगा, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और ये नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, ये होगा तुम्हारा पहला पॉइंट। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है। और यहां पर क्या आएगा फिर दूसरा पॉइंट, यहां पर अगर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है। इतना आया। अब थर्ड पॉइंट यहां पे क्या बचेगा, दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, और ये मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। इतने सारे डिफरेंस आपके पिकआउट होते हैं। तो अगर आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर में डिफरेंस बताओ, तो यहां पर ये आपको लिखना होगा, और उसके बाद में यहां पर सबसे ऊपर में एग्जाम्पल बताने होंगे जो कि हमने इसके पहले लिए है ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद में ये पॉइंट में डिस्कस करो ठीक है। ये मिरर इमेजेस रहेंगे ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस रहेंगे, और ये मिरर इमेज ही नहीं रहेंगे। यहाँ पर इसका क्या है, सेम इसमें सेम क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, विस्कोसिटी रहेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेगी, वहाँ पे वो सब डिफरेंट होगी। यहाँ पे थर्ड में पॉइंट क्या है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें, वहां पर क्या है थर्ड पॉइंट, वो मे और मे नॉट भी कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, उनकी मर्जी, डायस्टेरियोमर है वो, उनको कोई कहने वाला है नहीं कि भाई तुमने प्लेन पोलराइज लाइट क्यों नहीं रोटेट किया, क्योंकि वो डायस्टेरियोमर है। तो इसका मतलब क्या है कि इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल दिस थ्री पॉइंट्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, व्हाट इज मीन बाय इनेंशियोमर एंड व्हाट इज मीन बाय स्टीरियोआइसोमर। तो उनकी डेफिनेशन आ गई, उसके बाद में उनके कैरेक्टरिस्टिक आ गए। तो ये अगर आया आपको तो ये तीन मार्क के लिए अलग 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 से पूछ सकते हैं, और तीन मार्क के लिए ऐसा डिफ्रेंशिएट करके भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब कुछ आपको लिखना होगा। और यहाँ पे हम अभी हमारा ये जो वीडियो है ये एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं R&S कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको समझ में आया हो तो बोलो, और नहीं समझ में आया हो तो भी बोलो, हम ये फिर से रिपीट करेंगे लगे तो ठीक है। इसके एग्जांपल और लेंगे, कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं वैसे एग्जांपल भी देखेंगे, पर अभी इस यहाँ पर ही हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।